अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इत्तेहाद मीडिया में आप सबका खैर वमकदम मैं हूं शकील जो लेकर आया हूं अहम खबरें आज के हेडलाइंस शराब के लिए पैसे न देने की वजह से बीवी का कैंची से वार करके खून करने की कोशिश पति को जेल शाहपुर बेलगाम में बंद घर फोड़ कर चार लाख के एवज की चोरी बेलगाम ज़िले में अप्रैल महीने में लगातार सोलह दिनों से बारिश शिव जयंती के जुलूस के मौके पर नए नियम और कानून को लेकर ज़बरदस्ती न करने की मांग चौबीस दिनों में चौबीस नाबालिग बच्चों की शादियां रोकने में बाल कल्याण विभाग को कामयाबी राजकट्टी गांव हुकेरी तालुके की रहने वाली फिलहाल जनता प्लाट होनगा में रह रही अल्लावा कारणावर उम्र पैंतीस को अपने शोहर ने शराब के लिए पैसे न देने की वजह से उसके पेट में चार बार कैंची से वार करके जान से मारने की कोशिश की सिद्धप्पा कारण्डावर उम्र छत्तीस जिसने अपनी बीवी पर हमला किया था वह अब पुलिस ने उसे अपने ताबे में ली है कुछ सालों से ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी जनता प्लॉट में हुनगा में रह रहे थे जबकि सिद्धप्पा हमाली का काम करता था बहुत सालों से उसे शराब की आदत थी और इसी नशे में अपनी बीवी को बार बार तकलीफ देता था और शराब के लिए पैसे भी मांगता था पीर के दिन बतारिक 26 अप्रैल आधी रात ढाई बजे को इस वारदात को उसने अंजाम दिया उनके पड़ोसी इस खबर को सुनते ही यल्लावा को जख्मी हालत में सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। काक्ती पुलिस वारदात के जगह जाकर पंचनामा कर आगे की तफ्तीश जारी है बताया जा रहा है कि पीर के रोज़ बतारिक 25 अप्रैल के शाम बसवन गली शाहपुर बेलगा में एक बंद घर का दरवाजा तोड़कर सोने चांदी के जेवर के साथ रोक रकम मिलाकर तकरीबन चार लाख की चोरी को अंजाम दिया चोरी के सिलसिले में वर्षा महेश बराले ने रेलवे स्टेशन के करीब पुलिस स्टेशन में चोरी की फरियाद दाखिल की वर्षा ने बताया कि कुछ काम के वजह से घर के सब अफराद पूना चले गए थे और उसी दौरान चोरों ने घर का पिछला दरवाज़ा तोड़कर चोरी को अंजाम दिया उन्होंने आगे भी ये कहा कि कपाट तोड़कर 10 ग्राम के सोने के जेवरात 4 किलो चांदी तांबे के दो हंडे और एक लाख पचास हजार कैश लेकर भाग गए इस वारदात को लेकर शाहपुर पुलिस स्टेशन में भी गुना दाखिल किया गया है जिस पर पुलिस फोर्स वारदात की जगह हाजिरी देकर पंचनामा किया है ऐसा बताया जा रहा है इस साल अप्रैल महीने में पिछले 26 दिनों में लगातार 16 दिनों से तेज हवाओं के साथ जोर की बारिश हो रही है अप्रैल में सरासरी अंदाजन बासठ मिलीमीटर mm बारिश की हाजिरी हो चुकी है बताया जा रहा है कि बलगाम तालुके में एक मिलीमीटर mm की हाजिरी हो चुकी है पिछले महीने यानी मार्च में भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बारिश हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है और ये बेमौसम बारिश की वजह से गन्ने की पैदावार के लिए फ़ायदेमंद और तरकारी भाजी के पैदावार के लिए नुकसानदायक हो चुकी है बताया जा रहा है कि शिव जयंती के जुलूस के मौके पर जुलूस के जिम्मेदारान के आईडी प्रूफ की मांग पुलिस महकमे के तरफ से की जा रही है इस वजह से मध्यवर्ती शिव जयंती महामंडल के तरफ से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम बी बोरलिंगया से मांग की कि इन नए नियम और कायदों को हम पर न ला दें उन्होंने आगे बताया कि शिव जयंती भाईचारे के साथ और शांति के साथ पिछले सौ सालों से मनाते आ रहे हैं लेकिन इस साल पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए नए कानूनों और नियमों को लाद रही है जो नए नियम पुलिस महकमे के, के तरफ से बताए जा रहे हैं वो हमें कबूल नहीं क्योंकि ये नियम गलत हैं और हम इन गलत नियमों का पालन नहीं करेंगे ऐसा शिव जयंती महामंडल की मीटिंग के वक्त तय किया गया ऐसा बताया जा रहा है पुलिस कमिश्नर बोरलिंगाया बताया कि शिव जयंती के जिम्मेदार जल्द से जल्द अपने गाड़े बाहर निकाले ताकि जुलूस जल्द से जल्द खत्म हो जाए उन्होंने आगे ये भी बताया कि रमजान बसवेश्वर जयंती और शिव जा, शिव जयंती एक साथ आने की वजह से शहर में सुकून शांति कायम रखना जरूरी है और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से पूरी तरह से साथ देगी लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी आम लोगों की भी होनी चाहिए पुलिस कमिश्नर जनाब बोरलिंगा ने जत, जनता से उम्मीद जताई कि वो पुलिस को पूरा पूरा साथ देगी और ये भी अपील की कि जोरों से साउंड सिस्टम का सिस्टम का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे इस मौके पर मध्यवर्ती शिव जयंती महामंडल के सदर दीपक दलवी प्रकाश मरगाड़े और कई जिम्मेदार मौजूद थे पता चला है कि बेलगाम जिले में नाबालिग बच्चों की शादियों का मामला लेकर गहराई से सोचने वाली बात बन गई है खास करके कोरोना के शर्तों को उठाने के बाद इन नाबालिग बच्चों की शादियों के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ अप्रैल 2022 में यानी 24 अप्रैल तक चौबीस नाबालिग बच्चों की शादियों को रोकने में बाल विवाह महिला और बाल कल्याण महकमे के ज़िम्मेदारों को कामयाबी मिली है इस साल यानी 2021 22 में 124 नाबालिग बच्चों की शादियों को अंजाम देने की खबर मिली है बताया जा रहा है कि पहले लड़की के घर ही लड़की की शादी होती थी और इसकी मालूम बाल कल्याण को फ़ौर मिल जाती थी लेकिन अब परेशानी और भी बढ़ गई है क्योंकि अब लड़की की शादी कोई दूसरे गाँव ले जाकर करते हैं ये भी बताया जा रहा है कि आजकल महाराष्ट्र के कई मंदिरों में भी बाल विवाह को अंजाम दे रहे हैं ऐसा महिला और बाल कल्याण विभाग के जिम्मेदार ने मालूम दी है जो 124 नाबालिग बच्चों की शादियां हो चुकी हैं उनमें से 16 नाबालिग बच्चों पर बाल कल्याण विभाग के जानेब से एफ दर्ज की है देखते रहिए इतिहाद मीडिया जजाकल्ला खैर